बार फिर से उनको यह उम्मीद है कि बड़ी मार्जिन के साथ में, बड़े मार्जिन के साथ में जीत हासिल करेंगे। जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं वो उनके पक्ष में, 14 राउंड की गिनती हो चुकी है और इसमें करीब 2 लाख की बढ़त दुष्यंत सिंह की। मुझे लगता है कि यहाँ पर अब किसी तरह का संशय बचता नहीं है। 2 लाख वोटों के साथ आगे हैं दुष्यंत सिंह और ऐसे में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो एक और बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग तय हो चुकी है। इससे पहले मंजू शर्मा की जीत पक्की हो गई और एक और बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह की जीत लगभग पक्की हो चुकी है। और आपको बता दें कि हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जयपुर ग्रामीण सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला जो है वो चल रहा है। सुबह से मतगणना चल रही थी लेकिन एक भी बार बीजेपी के राव राजेंद्र जो है वो आगे नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा मोड आया है और अब जाकर जो है वो राव राजेंद्र ने बढ़त जो है वो बनाई है। करीब 12,000 वोटों की बढ़त जो है वो उन्होंने बना ली है और ये एक अप्रत्याशित इस लिहाज से क्योंकि उन्हें सिर्फ झोटवाड़ा सीट से, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अनिल चोपड़ा जो है वो बढ़त बनाए हुए, यानी जिस प्रकार का उलटफेर यहाँ पर हुआ है, सिर्फ 2 बार, एक बार महज 14 वोटों से आगे हुए थे और उसके बाद अब 12,000 वोटों की बढ़त जो है वो बनाई है और करीब 1.5 लाख वोटों की गिनती जो है वो अब और शेष है। लेकिन चिंता वाली बात राव राजेंद्र के लिए ये है कि झोटवाड़ा का महज 1 ही राउंड बचा है और बाकी तमाम विधानसभा क्षेत्रों के राउंड